हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम संजय कुमार है और शौर्य विवेक चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर CDS, CAPF, AFCAT से रिलेटेड चल रहे हैं। तो लिंक रिलेटेड टू दिस कोर्सेज इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। द 10% डिस्काउंट कोड इज संजय2 SANJAYTWO, जिसको यूज़ करके आप 10% का फ़ायदा उठा सकते हैं और अनअकैडमी प्लस पर अपनी CDS, CAPF, SSB, AFCAT की तैयारी कर सकते हैं। 26 मई को ही मिशन OTA का कोर्स भी स्टार्ट हुआ है, इन विच यू कैन एनरोल। अब आते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर, वो है कि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर UPSC CDS 2021 को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कि आप अपने पहले अटैम्प्ट के अंदर UPSC CDS जो नवंबर में पेपर होने वाला है उसे कैसे क्रैक करा जा सकता है। सबसे पहले जो मैंने प्रॉब्लम देखी है कि लोग नोटिफिकेशन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं और थॉरली सिलेबस को नहीं देखते हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है उसको आप थॉरली पढ़िए। जैसे कि काफ़ी लोगों को तो यही क्लियर नहीं होता है भैया मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं एलिजिबल हूँ। नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर होता है, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट के अंदर। मेडिकल की जानकारी भी होती है, एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है उसकी जानकारी भी होती है। सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाती है। तो सबसे पहली बात, आप जो भी CDS का फॉर्म देने वाले हो, यानी कि जो आने वाला CDS है, आप उसके नोटिफिकेशन को थॉरली पढ़ें। काफ़ी सारे लोग शॉर्टकट करते हैं और वो वेबसाइट्स पर जाकर देख लेते हैं। इवन फॉर दैट मैटर टीचर्स लाइक मी, हम नोटिफिकेशन का एनालिसिस करते हैं, बट फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार आप ज़रूर अपना नोटिफिकेशन पढ़ें, जिससे आपके जो डाउट्स आए वो हमसे आप आकर पूछ सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूपीएससी की वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, यानी CDS के जो पुराने पेपर हुए हैं आप उनको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उनकी आंसर कीज़ भी पड़ी हुई हैं, उनको जाकर देखिए। इससे आपको पता लगेगा कि मैथ्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर और जनरल स्टडीज़ के अंदर क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहा है, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। लास्ट 4-5 साल का आपको एक एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, किस सेक्शन से कितने सवाल पूछे गए हैं। जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कितने आ रहे हैं, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से आ रहे हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी से आ रहे हैं, हिस्ट्री में हाल फिलहाल में क्या पैटर्न रहा है, क्या सिर्फ हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आ रहे हैं कि एंशिएंट और मिडिवल से आ रहे हैं। ये सारा एनालिसिस आपको पिछले क्वेश्चन पेपर्स को देखकर मिलेगा। तो इन क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करिए, इनकी ऑफिशियल कीज़ को देखिए। इससे आपको एक काफ़ी डिटेल्ड आइडिया लगेगा कि भैया मेरे को किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप उनको एक से मतलब आप 1 या 2 साल के पेपर्स को लगा भी सकते हैं टाइमिंग वाइज, तो आपको काफ़ी एक अच्छा आइडिया लग जाएगा भैया हाँ मैं अगर ये पेपर में ऐसे अटैम्प्ट करूँगा तो मेरे को इतने सवाल बन रहे हैं, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये मेरा वीक एरिया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करके आपको एक अच्छा सिलेबस का आइडिया लगता है, आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज का पता लगता है कि मैं किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरा मैथ्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा मैथ्स में अर्थमेटिक ज़्यादा अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, मेंसुरेशन अच्छा है, वगैरह वगैरह। और मेरे वीक एरियाज़ क्या है, और वीक एरियाज़ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये भी हो सकता है कि आपने वो चीज़ बहुत टाइम से पढ़ी ही ना हो, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश तो ऐसी चीज़ें जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। जनरल स्टडीज़ हमारी छूट जाती है कई बार, खासकर साइंस स्टूडेंट्स की, इवन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, और जो आर्ट स्टूडेंट्स भी होते हैं वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता लगेगा भैया मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इस पर किस सब्जेक्ट पर कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ऑल दिस विल बी हेल्पिंग यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज को देखिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो आपका आता है कि जब आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी, ये मेरे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज हैं और ये टोटल सिलेबस है, इंग्लिश की क्या सिलेबस है, मैथ्स की क्या सिलेबस है और जनरल स्टडीज़ क्या सिलेबस है। आधे बच्चे जब एग्जामिनेशन में जाते हैं सिलेबस को पूरा ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ शॉर्टकट्स देखते हैं। खासकर ये चीज़ें मैंने देखी हुई हैं जो लास्ट 1 या 2 महीने में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और तब आप देखते हो तो आपकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है कि सिलेबस कैसी होगी। अभी से अगर आप देखें तो CDS के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, नवंबर में है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी मई का महीना चल रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, करीबन 5 महीने तो आपके पास है ही है। ठीक है, तो आपके पास करीबन 5 मंथ्स है जिसके अंदर आप इस एग्ज़ाम की आराम से तैयारी कर सकते हैं। बट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तैयारी को आप किस तरीके से करेंगे। मिनिमम टू मिनिमम आपको अपनी सिलेबस कंप्लीट करनी पड़ेगी, और वो भी 2 से 3 रिवीजन के साथ। लोग पहली बार किताब को पढ़ लेते हैं और सोचते हैं खत्म हो गई। नहीं भैया, पहली बार जब आप पूरी किताब को करते हो तो आपको सिर्फ उसके अंदर उसका 5 या 10% ही रिटेन रह जाता है या मैक्सिमम 20%। जब आप दूसरी बार उसे पढ़ते हो, तीसरी बार पढ़ते हो, तब आपको चीज़ें याद आती है और तब आपके MCQs बनना स्टार्ट होते हैं। तो सिलेबस को कंप्लीट करना है और कम से कम 3 बार रिविजन करना है, बेर मिनिमम 3 बार रिवीजन करना है, तब आपके सवाल बनेंगे। क्योंकि आपको लग रहा है सीडीएस में वो फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, बट वो इतना फैक्चुअल नहीं है कि लूसेंट पढ़ के हो जाएगा। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। मैं अपने अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि यूपीएससी सीडीएस के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जिससे वो एग्जाम निकल जाएगा आपका पहली बार ही अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही फोकस करना चाहता हूँ। तो सिलेबस कंप्लीशन के बाद 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, जब ये रिवीजन आप कर रहे हो, देन द नेक्स्ट कम्स इज यू हाउ मेनी MCQs यू नीड टू प्रैक्टिस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कम से कम आपको 500 से 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और MCQs को लगाना पड़ेगा। 500 से 1000 बेयर मिनिमम। अगर आप 4 पेपर भी देखते हैं, ये तो मैं बहुत कम नंबर बोल रहा हूं, अगर आप 2 साल के पेपर देखते हैं तो अगर आप इंग्लिश का पेपर देखेंगे, इंग्लिश के पेपर में 120 सवाल है, तो 1 साल के अंदर ही अगर आप देखेंगे 240 सवाल तो इंग्लिश के ही प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं आप। ओके, सो दिस इज 500 टू 1000 PYQs एंड MCQs। तो बहुत कम बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। कम से कम आपको 5 ईयर्स के पेपर लगाने चाहिए और 1000 से 1500 न्यू MCQs प्रैक्टिस करने चाहिए। कोई बोलेगा सर आप तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, मैंने तो ऐसे ही निकाल लिया था। भैया क्या पता आपने निकाल लिया हो, बट मैं वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जिसके अंदर हर बच्चे का निकल सकता है। मेहनत इतनी जीतोड़ करिए कि पहली बारी में ही निकल जाए। नहीं तो क्या होता है, पहली बार में आप थोड़ा करोगे, फिर दूसरी बार में प्रैक्टिस करोगे, तीसरी बारी प्रैक्टिस करके जाके CDS निकल रहा है। फिर वो इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि आप पूरी मेहनत एक बारी में कर नहीं रहे हो, आप छोटे छोटे डिपार्टमेंटल में कर रहे हो। तो वो जो 1 ईयर स्ट्रैटेजी है आपकी, वो 5 ईयर स्ट्रैटेजी बन जाती है या 3 ईयर स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो ऐसा मत करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए, तीन बार रिविजन करिए, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छाटिए और उसके अलावा 500 से 1000 या 1500 MCQ को और लगाइए, तो फिर आपका पेपर बनेगा। एंड आफ्टर दिस द लास्ट स्टेप, जब आपके MCQs खत्म हो जाए, फिर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अनअकैडमी पर भी फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, जो प्रॉपर मॉक टेस्ट होते हैं। एग्जाम से 1 महीने पहले कम से कम 5 से 10 मॉक टेस्ट दे दीजिए, फ्री होते हैं वो। उससे आपको पता लगेगा कि एग्जामिनेशन में बैठ के कैसा लगता है। जब आप 2 घंटे के लिए बैठेंगे, 2 घंटे के अंदर आप पर कितना प्रेशर क्रिएट होता है, रियल लाइफ सिचुएशन बनेगी आपके साथ। मैं 2 घंटे के, क्योंकि आराम से MCQ सॉल्व करना एक अलग बात है, बट 2 घंटे के प्रेशर के अंदर मैथ करना है, GK करनी है आपको, इंग्लिश करनी है, अलग अलग सवाल, जिसमें इंग्लिश का पेपर सुबह होता है, GK का दोपहर में होता है और मैथ आते आते आपकी शाम हो जाती है। 3 से 5 का जो पेपर है आपका, बंदा दिमाग से थक चुका होता है। और ऑपरेशन, जब आप आर्मी में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि भैया आप थके हुए हैं, तब देन ऑल्सो यू नीड टू गो फॉर दी ऑपरेशंस, बिकॉज दैट इज ऑल फौज इज ऑल अबाउट। यू विल हैव टू वर्क अंडर स्ट्रेस, अंडर ड्यूरेस, ये तो चलेगा ही चलेगा फौज के अंदर भैया, दिस इज ऑल फौज इज ऑल अबाउट। ठीक है, फौज के अंदर दुनिया भर के काम आएंगे। आप देखिए यूपीएससी ने पेपर को भी इस तरीके से डिजाइन करा है। वो चाहते तो मैथ का पेपर सुबह रख सकते थे ताकि आप फ्रेश माइंड से सॉल्व करें, नहीं, इंग्लिश का रखा, फिर GK का रखा। जब एकदम दिमाग थक गया तब आपको मैथ का पेपर दिया है, आप करो भाई, आप करके दिखाओ। तो मैथ, जो यूपीएससी ने सीडीएस का पेपर भी इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है कि आप अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन 5 पॉइंटर्स को ध्यान में रखिएगा अगर आप फास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी सीडीएस 2021 को क्लियर करना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंटर इज नोटिफिकेशन, PYQ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। सेकेंड, सिलेबस कंप्लीशन। थर्ड, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ऑफ रिविजन। फोर्थ, 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करिए और करीबन 500 से 1000 PYQs और MCQ की प्रैक्टिस, रादर MCQ की प्रैक्टिस, PYQs तो 5 ईयर्स में हो जाएंगे। एंड फिफ्थ पॉइंटर, मिनिमम 5 to 10 मॉक टेस्ट, 5 तो कम से कम दे ही देना। इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा और आप पेपर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। और अगर आपको UnAcademy Plus ज्वाइन करना है तो माई 10% डिस्काउंट कोड है संजय2, SANJAYTWO। और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ये सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको पता लगे, जहाँ पर SSB, CDS, CAPF, AFCAT, INET इन सब की गाइडेंस दी जाती है और बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। आई होप यू गाइज एन्जॉयड द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.